गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ अपर्णा सैनी, रिपोर्टिंग फ्रॉम मेलबर्न फॉर एबीपी लाइव। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से यहाँ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। भारत अगले मैच में दूसरी पारी में 36 यानी कि 36 रनों से अपने टेस्ट मैच के लोएस्ट स्कोर से सिमट गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने ढाई दिन के अंदर डे नाइट टेस्ट मैच में 8 विकेट से जीत हासिल करी और भारत इस समय इस सीरीज़ में 0-1 से पीछे है। और भारत के लिए इस समय एक और बुरी खबर ये रही कि शामी तेज़ गेंदबाज वो बाकी के बचे 3 मुकाबलों से बाहर हो चुके हैं। इस पारी के दौरान क्यूमिंस की उठती हुई गेंद मोहम्मद शामी की कलाई पर लगी, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। इस पर सभी की नज़रें होंगी कि विराट कोहली और शामी की जगह कौन लेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया टेस्ट सीरीज़ में वापसी करने के लिए ज़रूर बेताब है। आइए एक नज़र डालते हैं कि कौन से ऐसे किए गए इन 4 बड़े चेंजेस और उसमें कौन से 2 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो अपना डेब्यू करते दिखाई देंगे और जो कि अभी कुछ ही समय में शुरू होगा यहाँ मेलबर्न में, और कैसी नज़र आएगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 जिसके खिलाफ वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में उतरते दिखाई देंगे। मयंक अग्रवाल और शुभनम गिल को पारी की आगाज करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, और जो गिल हैं वो रिप्लेस करेंगे पृथ्वी शॉ को। युवा बल्लेबाज शुभनम गिल ने टेस्ट सीरीज से पहले खेले गए डे नाइट प्रैक्टिस मैच में 43 और 65 के स्कोर बनाए थे। पहले टेस्ट मैच में पृथ्वी शॉ ने दोनों ही पारियों में 0 और 4 के रन स्कोर बनाए थे, जबकि फील्डिंग में भी वो एक आसान सा कैच नहीं ले सके। शॉ की बल्लेबाजी में तकनीकी कमजोरियां ऑस्ट्रेलिया के सामने छुपी नहीं हैं। बैटिंग के दौरान पृथ्वी शॉ की बैट और पैड में काफ़ी बड़ा गैप आ जाता है, जिससे कि वह बोल्ड हो रहे हैं। तीसरे नंबर पर उतरेंगे पुजारा। एडले टेस्ट मैच में पुजारा की डिफेंसिव बल्लेबाजी की काफ़ी आलोचना हुई है। पूरी टेस्ट मैच में पुजारा ने 160 यानी कि 160 गेंदों का सामना करते हुए 43 रन बनाए, पर दूसरी पारी में वो 8 गेंद का सामना करके बिना खाता खोले आउट हो गए। तो इस पुजारा इस मेलबर्न में होने वाले अभी कुछ ही देर में मैच में अपनी गलतियां ज़रूर सुधारना चाहेंगे। नंबर 4 पे रहाने करते दिखेंगे बल्लेबाजी, जो कि कप्तान रहाने करेंगे बल्लेबाजी नंबर 4 पे। तो हम आपको बता दें कि टीम इंडिया की कमान अब रहाने के हाथों में है, क्योंकि विराट कोहली मैटर्निटी लीव पर नियमित कोहली की गैर मौजूदगी में रहाने फिट बैठते हैं नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए और वो कमान संभालेंगे। विहारी ने पहली बारी में 4 और दूसरी बारी में 8 रन बनाए थे, उसके बाद भी उनको मेलबर्न में मिलेगा मौका। उम्मीद तो ये रहेगी कि विहारी अपनी गलतियां सुधारें और अच्छे बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाएं। ऐसा मौका सबको नहीं मिलता ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट में साहा को क्योंकि पंत दिखाई देंगे खेलते इस मैच में। सीनियर विकेट कीपर साहा को इस मैच की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। साहा विकेट कीपर के तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बल्ले के साथ फ्लॉप हैं। विकेट कीपर साहा ने लेटेस्ट में 9 और दूसरी पारी में 4 रन बनाए थे, जिस पर उनकी सिलेक्शन पे भी सवाल उठे। मेलबर्न में होने वाले अगले टेस्ट मैच में जो कि आज खेला जाएगा अभी कुछ ही समय में, उसकी जगह साहा की जगह पंत विकेट कीपर बल्लेबाज की तरह अच्छा विकेट साबित हो सकते हैं। और ये कहना गलत नहीं है कि पंत बल्लेबाजी में साहा से बेहतर है। तो इस नंबर में 7 नंबर पर दिखेंगे हमें अश्विन, क्योंकि अश्विन ने अगले टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने कुल मिलाकर 5 विकेटें ली थी, जिसमें स्टीव स्मिथ का भी विकेट झटका था उन्होंने।
तो वो अच्छे फॉर्म में दिखाई देते हैं तो वो ज़रूर खेलते दिखाई देंगे। पर उसके साथ जो जसप्रीत बुमराह के लिए टेस्ट अच्छा नहीं रहा था पिछले वाला, उन्होंने 2 विकेट लिए थे पर वो मेलबर्न में खेलते दिखाई देंगे और उम्मीद है कि वो अपना परफॉर्मेंस पे कितना इम्प्रूवमेंट करते दिखाई देंगे एंड हाउ मच इज़ ही प्रिपेयर्ड फॉर दिस टेस्ट। इंजर्ड शामी की गैर मौजूदगी में सिराज अपना डेब्यू कर सकते हैं। ये 26 वर्ष के गेंदबाज, इन्होंने प्रैक्टिस मैचों में इस टेस्ट सीरीज से 5 विकेट झटकाए थे, जिसमें पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 3 विकेटें शामिल थे और सिराज ने 38 फर्स्ट क्लास मैचों में 23.44 की औसत से 152 विकेट्स लिए हैं। तीसरे पेसर के तौर पर हमें उमेश यादव खेलते दिखाई देंगे। एडले में खेले गए डे नाइट मैच में उमेश यादव ने 3 विकेट झटके थे और उमेश यादव अपने यॉर्कर्स और बाउंसर से बहुत परेशान करते हैं ऐसा कहा जाता है। इसी के साथ उम्मीद है कि टीम इंडिया जरूर वापसी करेगा। वेल कीप यू अपडेटेड ऑन लेटेस्ट अपडेट्स, कीप वॉचिंग। दिस इज अपर्णा सैनी रिपोर्टिंग फ्रॉम मेलबर्न फॉर एबीपी लाइव।